20 जुलाई 1969 को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के वाला गांव में कालिखो पुल का जन्म हुआ। अपनी मेहनत के बदौलत कालिखो पुल आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि कालिखो पुल का जीवन काफी मुश्किलों और संघर्षों से भरा रहा। महज 13 महीने के छोटे से उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया। इतना ही नहीं, जब वो 6 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इस घटना ने कालिखो पुल को अनाथ बना दिया। अनाथ होने के बाद वो अपने चाचा और चाची के साथ रहने लगे। गरीबी और अभाव के कारण उन्हें 10 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा था। उस दौरान उन्होंने हवाई क्राफ्ट सेंटर में कारपेंट्री का कोर्स ज्वाइन किया था। 1.50 रुपीज पर डे का हजिरा करके मैंने काम किया। 2 रुपया का पर डे का बोझा बुक के हमने अपना करियर शुरू किया। इसलिए मैंने रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाया। मैंने एडोर्ड एजुकेशन सेंटर से पढ़ाई किया, साक्षरता मिशन रात्रि पाठशाला जो होता है वहाँ से पढ़ाई किया। तो दिन को मैं कारपेंट्री काम करता हूँ, मैं काठ का पूरा काम कर सकता, टिम्बर का जितना कुर्सी टेबल सोफ़ा आरना चारपाई सब बना सकता हूँ। तो मैं वो 1.5 रुपया में काम करता हूँ, 45 रुपीज मंथली मिलता था स्टाइपेंड। तो दिन को मैं कारपेंट्री काम करता हूँ, रात को हम रात्रि पाठशाला में जाता हूँ। तो ऐसे करके पढ़ाई करके मैंने 1.5 साल पढ़ाई किया। हालांकि बाद में कालिखो पुल ने हवाई मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के एडवाइस और उनकी सहायता से एक नाइट स्कूल ज्वाइन कर लिया। अपने स्कूल के फाइनल ईयर के दौरान कालिखो पुल जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे। बाद में अपना जीवन यापन करने के लिए कालिखो पुल ने एक पान का दुकान भी खोला था ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है, वहाँ से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था। कालिखो पुल भले ही अरुणाचल प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री रह चुके हों, मगर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, मगर लोग चाहते थे कि वो राजनीति में आए। फिर इलेक्शन आया, फिर जबरदस्ती पब्लिक ने हमको पॉलिटिक्स में धकेल दिया। मेरे को पॉलिटिक्स इतना वो नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ट्राइबल स्टाइल में रहता हूँ, सीधा बोलता, सीधा काम करता। तो पॉलिटिक्स में जो झूठा वादा, झूठ बोलना और तेल मसाला लगाना मेरे को नहीं आता है। इसी के साथ 1995 में पुल की राजनीतिक पारी शुरू हुई, जब वो हायुलियांग विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने। वो मुकुट मीठी सरकार के दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी रह चुके थे। कालिखो पुल का राजनीतिक सफर शानदार रहा। उन्होंने कई मुख्य मंत्रालय भी संभाले, जैसे कि हेल्थ, फिनेंस, सोशल जस्टिस, ट्राइबल अफेयर्स जैसे अहम मंत्रालय कालिखो पुल ने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान संभाले। वो 13 वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रह चुके थे। हालांकि कुछ राजनीतिक मतभेद के कारण उन्हें 2014 में कैबिनेट से हटा दिया गया था। इसी के साथ कालिखो पुल कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और कांग्रेस और बीजेपी के कुछ विधायकों के समर्थन से वो 19 फरवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री बने। कालिखो पुल जब तक मुख्यमंत्री रहे, उनके दरवाजे हमेशा गरीबों की सहायता के लिए खुले रहे। हालांकि वो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए मुख्यमंत्री रह पाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में उनकी सरकार को असंवैधानिक कहते हुए बर्खास्त कर दिया था। कालिखो पुल ने एक बार बताया कि जब वो एक बैठक में गए थे तो उन्हें मौजूद वहां लोगों ने स्वागत में माला नहीं पहनाया, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कालिखो पुल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं जब पहले बार एमएलए बना और पहले बार जब मंत्री बना, मेरा फर्स्ट विजिट दापोरिजो में था। कोई एक डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट था वहाँ, पोपक बागे मेमोरियल में। तो मैं तो ऐसे छोटा मोटा, मैंने उम्र से भी कम, उस समय भी कम था, अभी भी मैं यंगेस्ट हूँ मिनिस्ट्री में, कद से भी कम, हैसियत से भी कम। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरा पीएसओ को वो माला पहना दिया वहाँ पब्लिक लोगों ने, क्योंकि हम तो दुबला पतला था, टी शर्ट पहन के गया। मेरा पीएसओ एक आदि लड़का था, बहुत हट्टा कट्टा, बहुत सुंदर लड़का था सफेद करके,
वो भाग के घूम रहा है सर इधर है, नहीं पूरा पीछा करके और लोग उसी को पहना दिया। तो वहा एक ह्यूमिलेशन हुआ। शाम को फिर पूरा विजिट किया, प्रोग्राम हुआ, फिर ऐसे फंक्शंस हुआ वहां में। वहां में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत ट्रेजिक था, तो मैं स्टूडेंट लाइफ से कॉलेज लाइफ में फूर्ती फाटी खेल कूद कभी किया ही नहीं था। खेलना कूदना और ये गाना बजाना बिल्कुल मेरे को नहीं आता था, मैं भागता था। जब तक मैं स्टूडेंट था, पूरा स्टूडेंट लाइफ में जनरल सेक्रेटरी भी था लेकिन ऑर्गेनाइज करता हूँ, लेकिन जब फंक्शन होता मैं छिप के बैठ जाता हूँ। कॉलेज में भी तीनों साल मैं जनरल सेक्रेटरी था तेजू में, लेकिन जब गाना रिक्वेस्ट होता मैं भाग मैंने छिप के बैठता हूँ। तो कभी गाना नहीं गाया, कभी खेल कूद भी नहीं किया, तो छिप जाता हूँ। लेकिन जब एमएलए मिनिस्टर बना तो छिपने का जगह ही नहीं, आगे बैठना पड़ता है। कालीखो पुल को गाना गाना, पढ़ना और समाज सेवा करना, इनमें काफी उनकी रुचि थी। वो कई बार सार्वजनिक मंचों पर गाना भी गा चुके हैं। उनकी इसी सरलता के वजह से वो आज भी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बीच एक लोकप्रिय हस्ती हैं। कालीखो पुल का देहांत 9 अगस्त 2016 को एक रहस्यमय परिस्थिति में हुआ। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बीच आज भी कालीखो पुल अपनी सरलता और गरीबों के हित में कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और यही कारण है कि आज भी अरुणाचल प्रदेश के लोग उन्हें याद करते हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, ईस्ट न्यूज़। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.